नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। हमारी खास पेशकश मिशन महाराष्ट्र में आपका स्वागत है और आपके साथ हम आज इस मिशन महाराष्ट्र पर चर्चा करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। यहां की 288 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी, मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। तो वहीं प्रचार के आखिरी दिन शनिवार को प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने लोगों से कई वायदे किए। अब देखना होगा महाराष्ट्र में जनता सत्ता की चाबी किसे देती है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने प्रचार के आखिरी दिन दमखम दिखाया। तो वही चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक वोटिंग के 48 घंटे पहले से ही सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव प्रचार बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मतदान होने हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता पर काबिज है। ऐसे में दोबारा सरकार बनाने के लिए पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतारी गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भले ही 288 सीटों के लिए निर्दलीय समेत विभिन्न पार्टियों के 3,237 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या केवल 235 है। ये महिलाएं 152 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में केवल 7.3% महिलाएं हैं। वैसे चुनाव लड़ने वाली महिलाओं का ये आंकड़ा पिछले 4 चुनावों से अधिक है। महाराष्ट्र में 8.97 करोड़ मतदाता है और इनमें 4.38 करोड़ महिलाएं हैं। इस लिहाज से लगभग 50% महिला वोटरों के मुकाबले महिला उम्मीदवारों की संख्या कतई उत्साहजनक नहीं है। हालांकि राजनीतिक दल समाज और देश में महिलाओं की स्थिति बदलने की दावे करते हैं, परंतु राजनीति में ही यह बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। सभी प्रमुख दलों की महिलाएं दबी जुबान में कम प्रतिनिधित्व की शिकायत करती हैं। महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से भले कम अपेक्षा करें, मगर मुंबई जैसे देश के सबसे बड़े और आधुनिक महानगर की 36 विधानसभा सीटों पर केवल 31 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जो कि मुंबई से खड़े कुल 334 उम्मीदवार का 9.3% है। बहरहाल चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए प्रचार में पूरी ताकत झोंकी और 21 अक्टूबर को सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदान पेटी में कैद हो जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि इन वादों रैलियों के बीच जनता किसे चुनकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो कौन होगा महाराष्ट्र का सिरमौर, किसके हाथों में होगी महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी, ये तो वक्त बताएगा। चुनाव हैं 21 को और 24 को उसका रिजल्ट है, तो इस परीक्षा में कौन पास होगा। इन चुनावों में उतरे बड़ी पार्टियों के आधे से ज़्यादा उम्मीदवार तो दागी हैं। एडीआर ने महाराष्ट्र के 3,237 में से 3,112 इस विश्लेषण में कुल उम्मीदवारों में से 2/3 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। भाजपा के 59% उम्मीदवार दागी हैं। एडीआर के मुताबिक बीजेपी 59%, भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज हैं, उनमें से 36% के खिलाफ गंभीर मामले हैं। गंभीर मामले उन मामलों को माना जाता है जो गैर जमानती होते हैं, जिनमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। शिवसेना के 61% उम्मीदवारों पर मामले दर्ज हैं, जिनमें से 41% गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। दागी उम्मीदवारों में कांग्रेस और राकपा भी पीछे नहीं है। कांग्रेस में 57% उम्मीदवार दागी उतारे गए हैं, तो राकपा में 63% उम्मीदवार दागी हैं। कांग्रेस राकपा उम्मीदवारों पर भी गंभीर मामले की संख्या कम है। कांग्रेस में 30% के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं, तो राकपा में 35% उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। बेशक ये संख्या भाजपा और शिवसेना से कम है, लेकिन लोकतंत्र के लिए दागी उम्मीदवारों का चयन चिंता का विषय है। इन चुनावों में उतरे बड़ी पार्टियों के कई नेता, महाराष्ट्र में 41% उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं, तो एडीआर के मुताबिक 52% 5वीं से 12वीं तक पढ़े लिखे हैं। 1,629 प्रत्याशियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 12वीं के बीच बताई है, जबकि 41% 1,286 उम्मीदवार ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा पढ़ाई की है। लगभग 36 उम्मीदवार डिप्लोमा किए हुए हैं। अनपढ़ उम्मीदवारों की संख्या तकरीबन 36 है।
और जबकि एक उम्मीदवार ने अपनी योग्यता की जानकारी दी ही नहीं है। महाराष्ट्र में 41% उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं। इन चुनावों में ईडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 52% से 5वीं से 12वीं तक पढ़े हैं। इस पर हमारे सीनियर एडिटर अतुल एहसास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, मिशन महाराष्ट्र, कल इसका फैसला हो जाएगा, प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तमाम सवाल जिन पर हम पहले भी चर्चा किए थे, एक तो दागी उम्मीदवार जो चिंता का विषय है, पार्टियों में इतने दागी उम्मीदवार बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा सवाल, जो सत्ता है वो भाजपा के हाथ में है, क्या भाजपा इस बार अपने काम के बलबूते पर चुनाव लड़ेगी या फिर वही मोदी जी के नाम पर? देखिए, तीन फैक्टर हैं महाराष्ट्र में इस वक्त। सबसे पहली बात तो कि मोदी जी का चेहरा तो सबसे बड़ा चेहरा है ही आज के डेट में जीतने के लिए। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात आएगी वो धारा 370। तीसरा, राष्ट्रवाद को लेकर बात होगी, सेना को लेकर बात होगी जी, और इन सारी चीजों पर भाजपा बात करेगी। विकास के मुद्दे फिर इस बार आपको कौन मिलेंगे? विकास के मुद्दों पे इतनी बात नहीं हुई होगी, हुई भी नहीं। विकास के मुद्दों पे बिल्कुल बात नहीं होगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से आपने देखा होगा फडणवीस सरकार के ऊपर जिस तरीके सवाल उठते रहे हैं और उन सवालों के बीच में बात होती रही है, ये बात तो कहीं से कहीं तक सत्य नहीं निकलती। अब शिवसेना और बीजेपी के जो गठबंधन के बीच की बात है, मान लीजिए एक तरीके से प्रोफेशनल गठबंधन हम कह लें या उसको ये कह लें कि साहब ठीक है, जिस तरीके का गठबंधन महाराष्ट्र में हो रहा है शिवसेना और बीजेपी के बीच का, उस गठबंधन में कितनी चीजें कहीं सार्थक रूप से निकलती, ये सोचने के बिंदु होंगे सबसे बड़ी बात। बस ये तो अब मतपेटियों में जब मत आएंगे और उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी मालूम पड़ सकेगा भानु कि भारतीय जनता पार्टी किन किन मुद्दों पर अपने तरीके से महाराष्ट्र में अपने आप को काबिज कर पाती है। बिल्कुल अतुल जी, जो भाजपा है, भाजपा के लिए बड़ी चुनौती क्या है? कांग्रेस बड़ी चुनौती है या शिवसेना? क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता ये भी मानते हैं कि हमें कहीं ना कहीं लड़ाई शिवसेना से लड़नी है इस बार। अगर शिवसेना के पास पिछली बार से ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, और उनकी जो डिमांड होती है वो पहले ही कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे से कम नहीं है सीटों का बंटवारा, तो मंत्रालय का बंटवारा किस तरह से होगा फिर? देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अपने प्रभुत्व सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत प्रभुत्व चाहते हैं, व्यक्तिगत प्रभुत्व के साथ शिवसेना में जितने भी लोग जुड़े हैं उनको पार्टी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, अपने शिवसेना के अस्तित्व के साथ प्लस अपना व्यक्तिगत प्रभुत्व चाहिए, और उस व्यक्तिगत प्रभुत्व के बीच में कहीं ना कहीं भाजपा को अगर एक बहुत अच्छे समर्थन से शिवसेना वहां पर आकर खड़ी होती है तो भाजपा को कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे। ये सत्य है कि समझौते करने पड़ेंगे अगर महाराष्ट्र में उनको अपनी सरकार और अपना मुख्यमंत्री चाहिए। अब ये भी बात सबसे बड़ी बात है, मैं इसमें सवाल यह भी उठा रहा हूँ कि क्या मुख्यमंत्री भाजपा का होगा? बिल्कुल, किसका होगा, ये भी एक सवाल है, ये बड़ा सवाल है। तो फिर इसका फैसला चलिए होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस एनसीपी की, तो कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है, वो विरोधियों का सामना कैसे करेगी? कांग्रेस के अंदर से ही बगावती सुर फूटना शुरू हो गए, संजय निरुपम ने जिस तरह से बोली दिया था नेतृत्व को लेकर, तो दूसरी तरफ जो एनसीपी है वो चुनावों से पहले ही बैकफुट पर है, पीएमसी बैंक का मामला हो चाहे प्रफुल्ल पटेल का मामला, तमाम ऐसे मामलों को लेकर अब विरोधियों से लड़े या अपनी अंदरूनी कलह से या इन जो दिक्कतें सामने आ रही है उनसे जूझे? बानू, सबसे बड़ी बात है कि चाहे एनसीपी हो चाहे कांग्रेस हो या और कोई अन्य दल हो, वो अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, राज ठाकरे की मन से जो कि बहुत अपने प्रभुत्व के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में अपने आप को काबिज करने की कोशिश करी थी, परंतु पिछले चुनावों में जिस तरीके से उन्हें झटका मिला और इस बार उनको कहीं से कहीं तक हम फर्स्ट फहरिस्त में नहीं देख पा रहे हैं, सबसे पहली फहरिस्त में कहीं खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं। वह राज ठाकरे जो अपनी बेबाकी से जबान से हरदम महाराष्ट्रियों के लिए बात करते रहे, महाराष्ट्र सरकार के लिए बात करते रहे, आमची मुंबई के लिए बात करते रहे, अक्सर महाराष्ट्र के लिए बात करते रहे और उनके अक्सर नारे में जय महाराष्ट्र गूंजता रहा, चाहे वो बिहारियों का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो जिसमें अक्सर बात करते रहे, परंतु इस बार इस चुनाव में कहीं से कहीं तक उनको हम पहली पंक्ति में नहीं देख रहे हैं, कहीं पे भी नहीं देख रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आपने एनसीपी की बात करी, एनसीपी के लिए पीएमसी घोटाला इतना बड़ा घोटाला हो गया
कि वो आप उनकी पार्टी को ये सब जवाब देना भारी हो रहा है। वो सबसे बड़ी बात है कि वो सीधा का सीधा एलिगेशन कहीं ना कहीं शरद पवार पे आ रहा है और शरद पवार उसको कहीं ना कहीं झुटला नहीं पा रहे हैं। उनके साथ ईडी के इतने सारे केसेस, उनके भतीजे के पास इतने सारे केसेस, तो ये जो एलिगेशन है इन एलिगेशन से बाहर निकले तो चुनाव की रणनीति बना पाए। कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा सिपहसालार नहीं बचा है, प्रथम पंक्ति का सिपहसालार नहीं बचा है जो वहां पर एकजुट कर सके। आपने नाम लिया और भी नेताओं का नाम लिया जिन्होंने अपने तरीके से वहां पर विरोधाभास करना शुरू किया है। जी जी, तो कांग्रेस के अंदर तो ये जो आंतरिक कलह है ये तो भोगना ही पड़ेगा कांग्रेस को। जी बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ विनोद विप्लव जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी जी धन्यवाद जी। विनोद जी, मिशन महाराष्ट्र पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या मिशन महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक इस बार बड़ी चुनौती है जीतना, क्योंकि एक तो शिवसेना उनके साथ है, शिवसेना पर जहां सीटों को लेकर बंटवारे को लेकर ही पहले काफी कवायद उनको करनी पड़ी थी, अब अगर ऐसे में शिवसेना बराबर की सीटें ले आती है या पिछली बार से ज्यादा की सीटें ले आती हैं तो हिस्सेदारी में फिर मोल भाव पर उतर आएगी, सीधी सी बात यह है। दूसरी बात, तमाम ऐसे किसानों का मुद्दा हुआ या तमाम ऐसे मुद्दे अभी भी छाए हुए हैं जिसमें जिससे कि लोगों में असंतोष की भावना है सरकार के प्रति, तो क्या मिशन महाराष्ट्र की राह बीजेपी के लिए इस बार उतनी आसान है जितनी बार वो मोदी चेहरे से पिछली बार जीत गए थे, और क्या इस बार मोदी का चेहरा कमाल कर पाएगा वहां? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र जीतने की बात है तो बीजेपी के लिए आज भी राह जो है आसान है, क्योंकि पिछले चुनाव 2014 में जो चुनाव हुए थे जी, लोकसभा चुनाव, उसके बाद शिवसेना बीजेपी में टकराव होने के बाद भी बीजेपी ने वहां सत्ता संभाली चुनाव के बाद। तो अभी जैसे पिछले चुनाव के बाद जो उसका असर है लोकसभा चुनाव का और जो माहौल बीजेपी के पक्ष में पूरे देश भर में है उसका फायदा तो मिलेगा ही, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि वहाँ विपक्ष जो है सबसे ज्यादा बिखरा हुआ, आज की तारीख में देखा जाए तो विपक्ष में जो बिखराव है वो पहले की तुलना में आज बहुत ज्यादा है, और इवन कई कांग्रेस या इसके एनसीपी के नेता जो है उधर चले गए, बीजेपी या शिवसेना में चले गए जी। तो उसका फायदा मिलेगा, मैंने विपक्ष एक तो बिखरा हुआ है, दूसरी बात है कि जो आर्थिक मोर्चे पे जो केंद्र सरकार या सरकार मोदी सरकार की जो नाकामियां रही उसको विपक्ष भुना नहीं पा रही, मतलब इस चुनाव में देखा जाए तो जो भी मुद्दे हैं विपक्ष तो देखिए कहीं ना कहीं कमजोर दिख ही रहा है, वो अपनी अंदरूनी कलह से ही पहले जूझ रहा है, पहले अपने अंदरूनी कलह को ही उसको शांत करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा मुद्दा यह है कि शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन है और शिवसेना हिंदी भाषी और उत्तर भारतीयों को हमेशा से एक टेढ़ी निगाह से देखती रही है, कई बार उन्होंने इस तरह की कैंपेन भी चलाए उत्तर भारतीय और हिंदी भाषियों के खिलाफ, और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं वो लगातार महाराष्ट्र में डटे हुए हैं, क्योंकि तकरीबन 40 लाख से ज्यादा हिंदी भाषी उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में हैं और उनका वोट पाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को वहां लगाया गया है, उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े स्टार प्रचारक वहां पहुंच रहे हैं, क्या सिर्फ वोट बैंक का जरिया सिर्फ एक वोट बैंक ही बनकर रह जाएंगे उत्तर भारतीय, या उनके लिए कुछ काम होगा? और अगर फिर से शिवसेना पहले से ज्यादा मजबूत होकर अगर आती है तो क्या गारंटी है कि उनके खिलाफ फिर से कोई कैंपेन नहीं चलेगा? हाँ, तो ये तो आप सही बोल रहे हैं कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं चाहे मुंबई में हो या दिल्ली में जी, एक तरह से चुनावी मोहरे ही बने हुए हैं, चुनाव का तो फिर वो वोट क्यों दें, क्यों वोट दें फिर वो, क्या वो उनकी अपनी मांगे नहीं हो सकती इससे पहले? मांगे हैं लेकिन उनकी मांगों को लेकर के सामने आकर के उसके लिए संघर्ष करने के लिए कोई ऐसा या तो पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो ऐसा कोई नजर नहीं आता है जी। और बॉम्बे में शिवसेना जो है हालांकि उत्तर भारतीयों के खिलाफ रहती है लेकिन उसके बाद भी वोट तो पड़ते ही है शिवसेना को भी उत्तर भारतीयों का, और बीजेपी साथ, क्योंकि बीजेपी साथ है तो उसका फायदा तो शिवसेना को मिलेगा, और दोनों में चाहे जितना भी टकराव हो ऊपर से जितना भी दिखता हो लेकिन अंदर में तो दोनों में मुझे नहीं लगता किसी तरह का टकराव है, कि दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ना कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि एक दूसरे का फायदा उनको मिलेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। जी धन्यवाद।
जी अनिल गुप्ता जी, चर्चा का विषय है महाराष्ट्र चुनाव यानी मिशन महाराष्ट्र। अब सवाल तमाम उठते हैं, एक तरफ बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए हाथ पांव मार रही है, पूरा जोर लगा रही है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र में पड़े हुए हैं, उतने तो हरियाणा में भी नहीं दिखाई दिए, खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम नेता बीजेपी के बड़े बड़े महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। क्या इससे अंदाजा लगा लें कि इस बार डगर कठिन है बीजेपी की महाराष्ट्र में अब मिशन महाराष्ट्र को फतेह करने के लिए? और दूसरी तरफ क्या जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष से लड़ाई लड़े या अपनी अंदरूनी कलह से लड़ाई लड़े? जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचारकों की एक बड़ी फौज वहां डेरा डाले हुए है जी, तो और इस आधार पर हम यह अनुमान लगाएं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन कमजोर है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। कारण यह है कि जहां तक मैंने देखा है पत्रकार के रूप में, भारतीय जनता पार्टी हर काम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और गंभीरता से करती है, और वह किसी भी समय को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अवसर को आसान तरीके से नहीं लेती, गंभीर तरीके से लेती है। अच्छी बातें लेना भी चाहिए, सभी को लेना चाहिए इस तरह से। तो यदि वो अपनी पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें ये अनुमान लगाना कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन कमजोर हो गया है, ये उचित नहीं होगा, बल्कि उनके साथ अन्याय होगा ये कहना। जी जी, चलिए, हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर अतुल एजाज जी भी हैं, जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अतुल जी, पीएमसी बैंक घोटाला जिसने एनसीपी को पूरी तरह से, कह सकते हैं एक तरह से, बिल्कुल बैकफुट पर ला दिया, नाबूद तकरीबन एनसीपी को कर दिया है, लेकिन क्या बीजेपी के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक कांटा नहीं बन गया पीएमसी बैंक? क्योंकि वित्त मंत्री सीता निर्मला रमण ने कह दिया था कि ये तो सरकारी सीमा में आता ही नहीं है, आरबीआई का ये मामला है, आरबीआई निपटेगी। अरे 15 लाख जनता परेशान है, आपदा आती है आप पैसे दे देते हैं, राष्ट्रीय आपदा आती है पैसे लेते देते हैं, आप आर्थिक स्थिति को स्टेब्लिश करने के लिए बैंकों से पैसा निकालते हैं, लेकिन अब अगर इतने लाख लोग परेशान हैं, बैंकों में उनका पैसा फंसा हुआ है, तब क्या सरकार को आगे बढ़कर इन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, या ये कह देना चाहिए था कि ये तो हमारी सीमा में नहीं है, इसको तो आरबीआई देखती है? अतुल जी, शायद संपर्क उनसे टूट गया है। विनोद विप्लव जी, यही सवाल मेरा आपसे, क्या पीएमसी बैंक भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक कांटा नहीं बना है? हाँ, निश्चित रूप से बना है और बनना भी चाहिए था, लेकिन जिस तरह से वही कह रहा हूँ कि विपक्ष जिस तरह से वहाँ कमजोर है जी, और मुद्दे को भुना नहीं पा रही है। अब जाहिर है, आपने जैसा कहा कि सीता वित्त मंत्री ने गलत ही कहा कि भाई कोई भी क्राइसिस होता है देश में तो उसके लिए सरकार को निश्चित तौर पर जिम्मेदार होती है, और उसके लिए उस संकट से लोगों को कैसे निकाला जाए, उबारा जाए, इसके लिए कोशिश करती है, हर संभव कोशिश करनी चाहिए और करती भी है। लेकिन ये कह देना कि ये कोऑपरेटिव बैंक है और इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो सरकार मैसेज तो यहाँ सरकार मदद करना नहीं चाह रही या राजनीति कहीं हो रही है इसमें? हाँ, मदद करना भी शायद नहीं, क्योंकि उसमें बड़े बड़े माली बहुत से बड़े ऐसे होंगे जो उद्योगपति और काफी बैक पीछे जो होते हैं, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता पक्ष के साथ होते हैं, तो सरकार होता उस मामले में हस्तक्षेप ज्यादा करना नहीं चाहे, क्योंकि होता उसको आगे चल के नुकसान पहुंचे। लेकिन कम से कम एक दिखावे के लिए या और लोगों को अपना विश्वास में लेने के लिए ये तो कहना चाहिए था कि सरकार हर तरह से इनके साथ, हालांकि कहा उन्होंने, लेकिन साथ में कहने कोई जरूरत नहीं थी कि मतलब कोऑपरेटिव बैंक है, आरबीआई जो करना कर रही है, रेगुलेटर है, और इससे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो इससे मैसेज तो गलत गया। और चूंकि सरकार बीजेपी की राज्य में भी है, केंद्र में भी है, और जो भी बैंकों की जो हालत है उसके लिए लोग तो समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार जो नोटबंदी और जो भी फैसले हुए वो निश्चित रूप से जिम्मेदार है, भले ही शरद पवार या बाकी लोग का नाम आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये तो लोगों के मन में है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं वो बैंकों की खराब हालत के लिए जिम्मेदार है, तो लोगों में तो ये समझ तो है ही, कुछ भले ही लोग खुल के नहीं कहते हो,
बिल्कुल ही विपक्ष फायदा नहीं उठा पा रहा है, जनता है सब जानती है ये। जी अनिल गुप्ता जी, महाराष्ट्र में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी भी सरकारी पद तकरीबन 82,000 तो सरकारी पद ही रिक्त पड़े हैं महाराष्ट्र में, और ऐसे में जो तमाम ऑटो सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनमें भी लाखों लोगों की छटनी हो गई। ऑटो सेक्टर में तकरीबन 32% की गिरावट आ गई, देश में मंदी का दौर चल रहा है इसमें, और मुंबई महाराष्ट्र तो आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को, ऐसे में वहां मंदी के दौर में लाखों लोगों का बेघर हो जाना, लोगों को नौकरी नहीं मिलना, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे ज्वेलरी सेक्टर हो, ऐसे में तमाम लोग नौकरी से बेदखल हो चुके हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। क्या इसके लिए बीजेपी सरकार को ही जिम्मेदार माना जाएगा और इसका असर इन चुनावों में पड़ेगा? मतदाता के सामने जब दो चीजें होती हैं, आर्थिक संकट और राष्ट्रवाद, तो अभी जो पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें ये देखा गया कि मतदाताओं ने देश के या अपने ऊपर आए आर्थिक संकट के मुकाबले राष्ट्रवाद को ज्यादा वरीयता दी। जी, तो अब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार मतदाता क्या करते हैं। नहीं सर, तब तक पीएमसी का मामला नहीं हुआ था, तब तक पीएमसी वाला मामला नहीं हुआ था, वो एक बैंक का मामला है। मैं व्यापक स्तर पर आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूं, जिसमें बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आर्थिक संकट को हमेशा को डाइल्यूट किया राष्ट्रवाद ने, जी, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, देखना होगा कि महाराष्ट्र का मतदाता आर्थिक संकट से प्रभावित होकर वोट करता है या राष्ट्रवाद को अधिक महत्व देगा। जी बिल्कुल, ये एक देखने वाली बात होगी। अब अगर हम बीजेपी शिवसेना गठबंधन की बात करें, तो जिस तरह से शिवसेना ने पिछली बार सीटें जीती और इस बार सीटों के बंटवारे में इतनी बड़ी दिक्कत आई, उन्होंने ये तक कह दिया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी बड़ा ये बंटवारा है, अगर शिवसेना अच्छी खासी सीटें लेकर इस बार आती है तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये होगी कि आखिरकार कैसे इसमें बंटवारा करें मंत्रालयों का, मंत्री पद का, और शिवसेना की हिस्सेदारी भी इसमें बढ़ जाएगी और हक से बढ़ जाएगी। भानु जी, जहां तक मैं सोचता हूं एक पत्रकार के रूप में, ये बहुत अभी बहुत दूर है, ये मतलब बहुत अर्ली है, क्वेश्चन ये प्रीमेच्योर है, अभी तो चुनाव है, अभी तो चुनाव में जनता किसको वोट करती है, कौन बहुमत में आता है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, और जहां तक रही एडजस्टमेंट की बात, तो सत्ता के लिए तो सब चीजें तय हो ही जाती हैं, सीटों का भी बंटवारा हो ही गया, उसी प्रकार मंत्रिमंडल में यदि वर्थ एलोकेशन का जो मामला आएगा तो वो भी निपटा लेंगे, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों ही राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से एक ही हैं, दोनों ही हिंदुत्ववादी दल हैं, आप जानते हैं, देश जानता है, तो ये अभी सोचना कि वो लड़ते रहेंगे और लड़ाई इस बिंदु पर पहुंच जाएगी कि उनके संबंध खत्म हो जाएंगे, तो ये मैं नहीं समझता, मैं इस बात से सहमत नहीं। जी, क्या मराठी और गैर मराठी का मुद्दा भी इस बार असर डालेगा? मैं नहीं समझता कि वो मराठी गैर मराठी का मुद्दा इतना प्रभावित करेगा कि बहुत कोई बड़ी उलटफेर चुनाव परिणामों में दिखाई दे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जी, अब अगर हम विपक्ष की कांग्रेस की बात करें तो कितनी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस इन चुनावों में बीजेपी को, क्योंकि कई चुनौतियां उसके सामने भी है और कोई बड़ा चेहरा नहीं है सिर्फ राहुल गांधी सोनिया गांधी के अलावा उनके पास ऐसा जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़े, ऐसा कोई उनके पास ऐसे मुद्दे भी नहीं है जिस मुद्दे को वो उठा पाए, और कई मुद्दे थे तो उनको वे भुना भी नहीं पाए। ये दुर्भाग्य है, जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एक सशक्त विपक्ष हमेशा आवश्यक होता है। जी, और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस समय विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस निरंतर असफल नजर आती दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है उसका मुकाबला वो कैसे करे, उसमें तमाम अंतर्विरोध है, तमाम नई राजनीति को वो समझ नहीं पा रही है, अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित नहीं कर पा रही है,
और जनता से भी नहीं जुड़ पा रही है, संगठन उनका बेहद कमजोर है। जी जी जी। जहां तक चुनाव से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव से पहले एक चर्चा चली जिसमें कांग्रेस के एक नेता है वहां महाराष्ट्र के बड़े मशहूर सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने एनसीपी के साथ विलय की बात की तो वह भी फियास्को हो गया, एनसीपी की ओर से उसमें खाली जवाब आ गया। तो वो न तो गठबंधन कर पा रही है ठीक से समान विचारधारा के जो राजनीतिक दल हैं, न वो अपनी भविष्य की कोई राजनीति तय कर पा रही है, न अपने संगठन पर मजबूत बनाने पर कोई सशक्त कोई कदम उठाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में और पार्टी में जो अंतर विरोध है सारे राष्ट्रव्यापी है, केवल महाराष्ट्र ही नहीं, तो उसको लेकर के वो अपने पार्टी के अंतर विरोधों से निपटे हैं या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसे जी, ये बड़ा, बड़ा, बड़ी एक विचित्र स्थिति है विपक्ष के सामने सशक्त राजनीतिक दलों का मुकाबला करें तो अभी कांग्रेस अपनी वरीयता ही तय नहीं कर पा रही। अभी अभी लगता है जैसे कि कांग्रेस बेसुध है। अभी अभी उसको जो लगातार दो लोकसभा चुनाव जो हारी है उसके बाद से कांग्रेस देशव्यापी स्तर पर बेसुध नजर आ रही है। अभी वो चेतना में ही नहीं है, चेतना शून्य दिखाई दे रही है। बिल्कुल चेतना शून्य है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बातचीत के लिए। तो बता दें कि मिशन महाराष्ट्र की तारीख अब बस कुछ घंटों की रह गई है, मिशन महाराष्ट्र को फतह करने के लिए कुछ घंटे बाकी है, उसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे और फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा, 24 तारीख को खुलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि महाराष्ट्र का सिरमौर कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, किस दल से बनेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।